स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, अगर आप टीवी पर या फिर मोबाइल में क्रिकेट छोड़कर कभी न्यूज देखते होंगे तो आपको यह खबर शायद मिली होगी कि सिवान के सदर अस्पताल में 15 घंटा तक फर्श पर एक व्यक्ति का लाश ऐसे ही पड़ा रहा। वहां कुत्ते घूमने लगे लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कोई भी कर्मचारी लाश को छूने वाला भी मौजूद नहीं था। 15 घंटा तक कोई लाश अस्पताल के फर्श पर पड़ा रहे तो निश्चित रूप से उसे दुर्गंध आनी भी शुरू हो जाएगी। लाश फर्श पर पड़ा था और इस दौरान अस्पताल के कर्मचारी उसके पास से आते जाते रहे लेकिन उस लाश की तरफ देखने का समय किसी को नहीं मिला। अब इससे भी महत्वपूर्ण है कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी का गृह जिला सिवान है। जिस जनपद से स्वास्थ्य मंत्री साहब ताल्लुक रखते हैं उस जिले के सदर अस्पताल में लाश छूने वाला भी कोई नहीं है और यह घटना स्वास्थ्य मंत्री साहब के बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं की हकीकत बताने के लिए काफी है। दूसरी तरफ बिहार वायरल बुखार से जूझ रहा है और कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों का पोल एक वायरल बुखार ने ही खोल दिया है। पीएमसीएच जो बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी हालत क्या है इसके बारे में हमने आपको कल बताया था और फिर आज बताएंगे कि बिहार सरकार ने ऐसी कौन सी तैयारी कर ली थी जो कुछ दिनों के वायरल बुखार में ही खत्म हो गई। जिला अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है लेकिन इस पर जवाब देने वाला कोई नहीं है। और नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल पटना का सबसे शानदार अस्पताल जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। सबसे पहले बात अपने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के गृह जिले सिवान से करेंगे। सर, आपके गृह जिले में कोई व्यक्ति सदर अस्पताल के अंदर मर जाता है और 15 घंटे तक उसकी लाश फर्श पर पड़ी रहती है। अरे सर, कम से कम मानवता नाम का भी तो कोई चीज होता है। आपके पीएमसीएच में कोई व्यक्ति फोटो नहीं खींच सकता और अगर किसी ने लेने की चेष्टा की तो आपके पीएमसीएच में मौजूद गार्ड मारकर उसका हाथ तोड़ देंगे। जब लाश वाले मामले पर सिवान सदर अस्पताल के सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि मीडिया के जरिए हमको भी पता चला है। वे कह रहे थे कि हम तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल होने चले गए थे। अब बताइए ना कि 15 घंटे से कोई लाश फर्श पर पड़ा है और सिविल सर्जन साहब इतनी देर तक मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पर व्यस्त थे। लाश 15 घंटे तक फर्श पर पड़ी रही यह अपने आप में शर्मनाक है लेकिन सदर अस्पताल के अंदर कुत्ते खुलेआम घुस जाते हैं यह भी शर्मनाक है। कैसी होगी उस अस्पताल की व्यवस्था जिस अस्पताल के अंदर कुत्ते घूमते हो। वैसे बिहार के सरकारी अस्पतालों में कुत्तों का घूमना कोई ज्यादा अचरज वाली बात नहीं है। बिहार के दर्जनों ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां के बेड पर कुत्ता और बिल्ली आराम करते हैं। अब बात करते हैं वायरल बुखार पर। पीएमसीएच में शिशु वार्ड की हालत एकदम खराब हो चुकी है। हमने एक दिन पहले ही बताया था कि फर्श पर बच्चों को लिटाकर इलाज किया जा रहा है। अगर कोई अव्यवस्था की तस्वीर को कैमरे में कैद करना चाहता है तो उसके साथ मारपीट होती है। छोटे छोटे बच्चों की मां गोद में अपने बच्चे को लेकर डॉक्टर को बुलाने की गुहार लगाती है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अब वायरल बुखार खतरनाक रूप ले रहा है और यह सबसे ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि इसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि इस प्रकार के वायरल बुखार से केवल बिहार के बच्चे ही प्रभावित हो रहे हैं बल्कि उत्तर प्रदेश समेत मध्य प्रदेश के बच्चे भी इसकी चपेट में हैं। लेकिन यहां सवाल स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर उठा है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल का दर्जा रखने वाले पीएमसीएच के भरोसे सरकार कोरोना से निपटने का दावा कर रही थी कि अगर तीसरा लहर आएगा तो पीएमसीएच में उनके इलाज का पूरा व्यवस्था किया गया है लेकिन केवल वायरल बुखार से पीएमसीएच की हालत खराब हो गई है। सरकार की तरफ से सख्त निर्देश जारी किया गया है कि ड्यूटी के दौरान डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहेंगे तथा अतिरिक्त स्वास्थ्य टीम को जिलों में भेजा जा रहा है लेकिन पीएमसीएच में डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार अलग अलग जिलों में जाकर वहां का जायजा भी ले रही है लेकिन सवाल ज्यों का त्यों बना हुआ है कि आखिर इस जायजा का क्या फायदा जब व्यवस्था में कोई सुधार ना हो। सरकार की तरफ से गोपालगंज, सिवान तथा मुजफ्फरपुर में 3 विशेष स्वास्थ्य टीम भेजी गई है। गोपालगंज तथा सिवान में वायरल बुखार से पीड़ित बच्चों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। सरकार की तरफ से हर तैयारी का दावा किया जा रहा है लेकिन तैयारी होने के बावजूद जब कोई लाश उठाने वाला भी नहीं रहता तो फिर सवाल पूछा जाएगा। अगर सरकार अपनी तरफ से सब व्यवस्था कर रही है लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था नहीं सुधर रही है
तो आखिर इसका दोषी कौन है? अगर पैसा खर्च किए जाने के बावजूद व्यवस्था नहीं हो पा रहा है तो कौन सरकारी पैसों को लूट रहा है? फिलहाल हमें उम्मीद है कि स्वास्थ्य मंत्री साहब अपने गृह जिले के सदर अस्पताल का हालचाल लेंगे और प्रयास करेंगे कि स्थिति में थोड़ी सुधार आए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो कुछ नई खबर आएगी वह हम आपको बताएंगे तथा स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर सवाल को हम उठाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अंत में मेरा परिचय, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और कैमरे के पीछे पीयूष रसिया खड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।